अगर आप वीडियोकॉन D2H का कस्टमर केयर जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज बात करने वाले हैं कि वीडियोकॉन D2H का कस्टमर केयर नंबर क्या है। अगर आप कोई भी चैनल ऐड करवाना चाहते हैं या कोई भी आपका पैकेज है वो आप चेंज करवाना चाहते हैं, कस्टमर केयर आईडी आप जानना चाहते हैं, या आपको सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा और आपका टीवी है वो नहीं चल रहा, या कोई भी और प्रॉब्लम है जो आपका कोई चैनल बंद हो गया या आप कोई चैनल बंद करवाना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको कस्टमर केयर नंबर दूंगी। सिर्फ एक नहीं, मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 3-4 नंबर देने वाली हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि एक नंबर देते हैं जिससे कि आपकी कॉल नहीं लग पाती लॉन्ग टाइम तक, पर मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताऊंगी प्रॉपरली किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा नंबर आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियोकॉन D2H कस्टमर केयर नंबर, आपको ये सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये नंबर मिल जाता है 09115691156। ये नंबर होता है, बट इससे आपकी कॉल कई बार नहीं लगती। बट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा नीचे आना है। सबसे पहले इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनकी वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे आप सेम नंबर देख सकते हो, वही ये नंबर तो आपको सबको ही बताएगा, बट मैं आपको एक डिफरेंट बताने वाली हूँ ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कॉल कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर 3 लाइन दिखती हैं जहाँ पे रिचार्ज लिखा है, न्यू कनेक्शन, उसके साथ ही आप देख सकते हैं 3 लाइन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन नीचे जो ओपन हो गया आपको वहाँ देखना है। रिचार्ज के बाद आपको इधर इधर करना है, साइड पे आपको करना है, बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेक्ट अस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो आपको प्रॉब्लम है। अगर आप अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने चाहते हो, सबसे पहला नंबर है जो आप यूज़ कर सकते हैं 9781897818। इस नंबर से आप अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी इशू हो सकता है आपकी डिश में। तो दूसरा नंबर, अगर आपका एरर आता है आपके टीवी पे, कोई भी एरर आ रहा है और आपका टीवी नहीं चलता, तो उसके लिए आपको सेकंड नंबर यूज़ करना है 1800137077। तो ये वाला नंबर आपको यूज़ करना है। कई बार आप देखते हैं कि जो आपका रिचार्ज है वो ख़त्म हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा 3 दिन यूज़ कैसे करना है, और उसके लिए आपको एक नंबर पे कॉल करनी होती है 1800137033। ये नंबर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप 3 दिन एक्स्ट्रा जो अपना डिश को चलाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। और एक्टिव चैनल के लिए भी आप नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ऑफर्स होते हैं, आप ऑफ़र के अकॉर्डिंग भी नंबर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाला और ये वाला नंबर सेम ही है, आप इन दोनों में से किसी को भी कॉल करके अपने ऑफ़र्स भी जान सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू कनेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 1800317002। ये नंबर आप नए कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टॉक टू अस, अगर आप सीधा ही कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर वही नंबर यहाँ पे शो हो रहा है 9115691156। और लास्ट में आपको वीडियोकॉन की D2H की जो ईमेल आईडी है वो भी मिल जाती है और आप ईमेल भी कर सकते हो। तो इस तरह आप बहुत सारे नंबर यहाँ पे देख सकते हैं और लास्ट में आपको एक टोल फ्री नंबर भी मिलता है जो आप देख सकते हैं 1800212212। ये नंबर भी बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियोकॉन के D2H कस्टमर केयर नंबर से बात करना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर से बात करना चाहते हो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।